DCF को जब मैंने ज्वाइन किया है 10 साल पहले तकरीबन, बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन थी, काम हो रहा था और स्कूल में कोई बैठने को ऐसे जगह भी नहीं होती थी, सिर्फ एक वाहिद कुर्सी थी जो ठेकेदार की थी और वहाँ ग्राउंड में मैं बैठा करती थी और फिर वहाँ बैठ के मैंने एडमिशन किए। मेरे पास ऐसे बहुत से वाक़ियात हैं जिसमें मुझे खुद वालदैन ने आके कहा तो जी असी डंगर हैं, सानू नहीं कुछ पता। जैसे एक जानवर काम पे लग जाता है, इस तरह हम सुबह उठते हैं और काम पे लग जाते हैं। हम नहीं जानते कि क्या सही है और क्या गलत है, हमें तो ये भी नहीं पता किताब उल्टी है कि किताब सीधी है। हम नहीं चाहते कि हमारा बच्चा भी कल को वही बने। पहले तो हमारे गांव में स्कूल सिर्फ एक था, वो भी प्राइमरी तक था, वो भी गवर्नमेंट स्कूल था। टीचर्स लोग तो गपशप लगाती थी, बच्चे खुद ही मॉनिटर बने हुए थे, हम लोग तो सब्जियां भी बना देते थे टीचर्स की। और फिर पढ़ना क्या, बच्चे तो जब तक ऊपर ना कोई हो तब तक तो नहीं पढ़ते। बचपन का तो मन हालांकि खेलते कूदते ही याद है, इतना यानी कि पढ़ाई की तरफ तो कुछ भी नहीं था। TCF में गए, थोड़ी सी सेंस आई, फिर पता चला कि पढ़ाई भी कोई चीज़ है। शुरू शुरू में जब TCF में नाला 1-2 प्राइमरी शुरू हुआ तो काफ़ी ज़्यादा आराम से और बड़ा ही प्यार से बच्चों को पढ़ाया जाता था। मैं 8th क्लास में थी जब मेरे TCF में एडमिशन हुआ, उसके बाद मैंने मैट्रिक भी वहीं से किया, BA भी वहीं से किया और अब मैं माशाल्लाह मैट्रिक तक बच्चों को पढ़ाती हूँ। और TCF की ही बदौलत हम यहाँ पर। मेरे 5 बच्चे हैं, मैं चाहती हूँ कि मेरे 5ों बहुत पढ़ें, वो कुछ बने जो हम लोग नहीं बन सके, आगे बढ़ें, अच्छी तालीम हासिल करें और वो किसी की ज़िंदगी में मोहताज ना रहें। उनके टीचर बहुत अच्छा तावन करते हैं, उनको पढ़ाते हैं, उनकी अच्छी बुरी आदतों का ख्याल रखते हैं, क्लास में बहुत ध्यान देते हैं। माँ बाप को बहुत अहमियत दी जाती है, माँ बाप कुछ और तरह की मेहनत करते हैं बच्चे पे और उस्ताद कुछ और तरह की मेहनत करते हैं। और वो सही इंसान जब भी बन सकेगा अगर दोनों आपस में मिलके सही बच्चे की तरबियत करेंगे। तालीम ने बहुत ज़्यादा असर किया, बहुत ज़्यादा। एक बच्चा पढ़ जाए, तालीम हासिल कर जाए, पूरी फैमिली पर उसका असर होता है, पूरी फैमिली में तब्दीली आ जाती है, मिसाल बन जाता है पूरी फैमिली में, पूरे अपने घर में। तो देखो वो जो बच्चा पढ़ता है वो बोलेगा भी अच्छा, तमीज़ से बात करेगा। मैं ये चाहती हूँ कि मेरे बच्चे जो मेरी क्लास में एक दिन के लिए बैठे, एक साल के लिए बैठे, उनके लिए उनकी तरबियत, उनके लिए दूसरे इंसानों की अहमियत, जो अखलाकियात हैं उनके लिए वो उनकी डिग्री से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो। मुझे खुशी होती है कि जैसे मैंने अपनी टीचर से सीखा है मैं आगे उन बच्चों को पढ़ा रही हूँ और ये मुझसे भी आगे जाएं। एक दिन का ये काम ही नहीं है, ये एक दिन में होता ही नहीं है, इसके लिए वाकई बहुत लंबा अरसा आहिस्ता 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 दरकार है। 10 साल के बाद अगर मुझे कोई चेंज, जो मैंने खुद अपनी आंखों से भी देखा, कई क्लासेस में लड़कों से ज़्यादा लड़कियों की रेशियो है, मुझे बेहद खुशी होती है कि जब मैं देखती हूँ कि हमारे स्कूल से पढ़े हुए बच्चे मुख्तलिफ शोबों तक पहुँच रहे हैं, अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहे हैं, बोर्ड में अच्छे अच्छे नंबर्स ले रहे हैं। और ये इन बच्चों का आगे जाना ही मेरी मोटिवेशन है कि ये मेरे लिए कैसे, जैसे एक इंसान में ब्लड काम करता है ना, मेरे लिए बच्चे मेरे लिए ब्लड हैं। TCF लोगों के घरों में बहुत ज़्यादा तब्दीली ले आया है और मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ मैं TCF का हिस्सा हूँ।